Today, we're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. Oh. Three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. ऐसा कितनी बार हुआ होगा राइट कि आप बात कर रहे हैं अपनी ऑडियंस से, किसी से भी इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका टॉपिक बहुत कॉन्क्रीट है, आपकी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सामने वाला यॉन कर रहा है, सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं है आपकी बातों में। ये कुछ चीजों की वजह से होता है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो चांद तारों की बातें ना हो और इम्प्लीमेंटेबल टॉपिक्स हो। सबसे पहला पॉइंट है टारगेटिंग द पेन पॉइंट ऑफ योर ऑडियंस। पॉइंट पर आना बहुत एक इम्पॉर्टेंट और जल्दी वाला टॉपिक है, लेकिन ज़्यादा जल्दी होगा तो प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि लोग बाकी की चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं रखेंगे, और अगर लेट हो गया तो भी प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि मैं एंगेज नहीं रह पाऊंगा। तो एक वो गोल्डन टाइम होता है जहां पे अपना आपको पॉइंट पे आ जाना चाहिए अगर आपको प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग रखना। अगर आप आईफोन 14 के लॉन्च के इवेंट की बात करेंगे जो रिसेंट हुआ है, उन्होंने अपना मेन पॉइंट यानी वॉच का वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया था 2:53 पे, और जबकि पूरा प्रेजेंटेशन था 1.5 घंटे का। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि आपका जो कन्वर्जेशन का या प्रेजेंटेशन का ड्यूरेशन है उसमें 4% जितना टाइम खत्म हुआ हो ना, आप पॉइंट पे आ जाइए, आप उस एलिफेंट को टारगेट करिए जो रूम में बात नहीं कर रहा है और जिसका सबको इंतज़ार है। अगर आपकी स्पीच की लेंथ है 10 मिनट्स, अगर आप वो स्पीच दे रहे हैं तो आपको 40th सेकेंड पे पॉइंट पे आ जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद कंज्यूमर या फिर एक ऑडियंस अपना इंटरेस्ट छोड़ना शुरू कर दे। स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं खुद फ़ोन को अभी लॉन्च कर रहा हूँ और उसमें एक फीचर आपको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। केस नंबर 1, हमने फ़ोन में एक नाइट शिफ्ट नाम का फीचर डाला है, जब आप उसे ऑन करेंगे तो आपका स्क्रीन जो होगा फ़ोन का वो येलो हो जाएगा, और आप जब उसे ऑफ रखेंगे तो वाइट हो जाएगा। ये था फीचर बताना राइट, एक टेक्निकल पर्सन ऐसे ही फीचर्स बताता है, लेकिन अब होगा स्टोरी टेलर का तरीका। ये 1859 की बात है जहाँ पे फर्स्ट लाइट बल्ब इन्वेंट हुआ था, जब फर्स्ट पेटेंट रजिस्टर की गई थी। उससे पहले ह्यूमन बिहेवियर जो था, ह्यूमन की पूरी डेली साइकिल जो थी, वो ज़्यादातर सनराइज़ और सनसेट पे डिपेंड करती। अगर आप सनराइज़ को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो सनराइज़ के टाइम आपको मोस्टली ऑरेंजिश सनलाइट मिलेगी सन से, फिर वो धीरे धीरे येलो होती जाएगी, फिर वाइट होगी, फिर वापस शाम को ऑरेंज और फिर येलो होके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज हम मोस्टली आर्टिफिशियल लाइट्स में रहते हैं, और आर्टिफिशियल लाइट्स का अगर आप कलर देखेंगे तो आपकी ट्यूबलाइट का कलर देख लीजिए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन का कलर देख लीजिए जिसमें से वो लाइट एमिट करता है, आप अपने फ़ोन की डिस्प्लेस को चेक कर लीजिए, मोस्टली हम वाइट लाइट के करीब रहते हैं, वाइट लाइट के अंडर रहते हैं। व्हाइट लाइट में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन व्हाइट लाइट को गलत टाइम पे इस्तेमाल करना शायद आपके स्लीप डिसऑर्डर का कारण बन सकती है, शायद आपको इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए हम नेचर के साथ जीना चाहते हैं, हम नेचर से आपके फ़ोन को, आपकी लाइफ को कंफर्टेबल करना चाहते हैं, इसीलिए हमने एक फ़ीचर ऑन किया है जो ऑटोमेटिकली सनराइज़ के हिसाब से आपके डिस्प्ले की कलर को सनलाइट से मैच कर देगा, और सोते वक्त जब सनसेट हो रहा होगा आपके मेलाटोनिन सीक्रेशन को जो सपोर्ट करेगा, आपको नींद लाने में जो हेल्प करेगा, उस कलर को हम चढ़ा देंगे आपके डिस्प्ले पे, जो एक है गोल्डन या येलोइश टोन। अब आप ही बताइए, आपने दोनों केस पढ़े, दोनों ही सेम फीचर बता रहे हैं नाइट शिफ्ट के बारे में ही, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग कौन सा लगा? आपको ज़्यादा टाइम तक रिमेंबर रहेगा, ज़्यादा टाइम तक आप याद रख पाओगे, यूज़ कर पाओगे सेकेंड टाइप ऑफ केस स्टडी को। इसीलिए प्रेजेंटेशंस में स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है रादर देन जस्ट मेकिंग स्टेटमेंट्स। ऐसे ही नेचर आपको और एक चीज़ भी सिखाता है कि जिसके वीडियो देखते हैं भाई सब्सक्राइब करो। 98% ऑफ मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सिर्फ देखते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट, चैनल छोटी है, हम ग्रो कर रहे हैं, हेल्प कर दो। नीट और क्रिस्प स्लाइड्स, अगर आप स्लाइड से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो 2002 में एक एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन अगर वो किसी चीज़ को देखता है इंटरनेट पे, वो था अराउंड 13 सेकेंड, और 2022 में जो आज का साल है यहाँ पर एक एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन कम होके हो गया है सिर्फ 6.5 सेकेंड। इसका मतलब है 6.5 सेकेंड में आपको डिस्प्ले करना है, आपको डिटेल्स बता देनी है, अगर उसे मज़ा आए तो वो आगे कंटिन्यू करने का करेगा, वरना वो 6.5 सेकेंड के बाद डिसाइड कर लेगा कि मुझे इस वीडियो में रहना या नहीं रहना। चलो आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टी के बैनर दिख रहे होंगे,
एक प्रॉपर्टी का जो बैनर है उसमें काफी सारा डिटेल्ड डेटा है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, काफी सारे फोन नंबर्स है, काफी सारी ब्रांड्स को एक साथ मेंशन कर दिया है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो भरपूर यूज कर सकता है ना कोने कोने तक उस बोर्ड का, वो उन्होंने कर दिया है। अब आप इमेजिन करिए कि अगर आप ऑन द हाईवे, और ये बोर्ड बाय द वे पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे लगा हुआ है, ये उसी इमेज का एक रिप्रेजेंटेशन है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक्सप्रेस वे पे जहाँ पे आप ऑलमोस्ट 80 से 100 की स्पीड पर होते हैं अपनी कार में, आप 5 सेकेंड्स में ये डिटेल्स पढ़ पाएंगे। दूसरा बैनर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। आप देखिए कि ये बोर्ड क्लीन तो लग रहा है, यानी मुझे दूर से कुछ समझ तो आएगा ये क्या लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे कुछ ना कुछ डेटा ग्रास्प करने में ईजी रहेगा, जिसकी वजह से मैं घर पे जाके या अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के अगर मुझे वो बिलबोर्ड की याद आती है तो मेरे पास कुछ डेटा तो होगा, आइदर कलर, आइदर ब्रांड नेम, आइदर फोन नंबर जो भी मैंने उसमें देखा होगा। तो ज़रूरी नहीं है भाई कि आपका जितना भी स्क्वायर फीट अवेलेबल है आपके बोर्ड पे, बिलबोर्ड पे, आप उसको एंड टू एंड यूज़ करें, क्योंकि वो वर्थ इट नहीं है एक ऑडियंस के लिए, वो उसे रिटेन नहीं कर पाएगा उस इन्फॉर्मेशन। मैं हूँ आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।